Hello dear students, my name is Karan Srinana. Welcome back to the channel. This is the lecture number 8 for the 10th class. We are continuing the chapter light reflection and the refraction. In the 6th and the 7th lecture, we have done the image formation in the case of a concave mirror. In today's lecture, we will do the image formation in the case of a convex mirror. So let's get started. Please write down the topic: image formation in case of convex mirror. ध्यान से देख लो कि आज अपन convex mirror के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो यार, concave mirror में अपन ने करे थे total 6 cases, in which the total 5 cases the image is real and inverted, in one case only 6th case is virtual and erect. When the इमेज कब वर्चुअल और इरेक्ट हुई थी? इन द लास्ट 6 केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी वेरी नियर टू द मिरर. जब ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नजदीक रखा था मिरर से, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज बिहाइंड द मिरर. सारी की सारी जो भी इमेजेस थी रियल एंड इन्वर्टेड वाली, वो तो बनी थी मिरर के आगे, इन्वर्टेड बनी थी, बट द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. सो इन दिस केस कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल. कैसे बनेगी आज अपन बनाते हैं. तो फर्स्ट केस, इसमें टोटल कितने केस? इसमें भी टोटल 6 केस हो गए. नो, देर आर ओनली 2 केस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आई विल एक्सप्लेन द रीजन कि वाई देर आर ओनली 2 केस. जैसे अपन ने एक्सप्लेन करा था इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर कि देर आर टोटल 6 केस के बारे में आपको बताया था कि व्हेन वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही है. देर आर द डिफरेंट प्लेसेस टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को अपन रख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे रख सकते हैं, बिटवीन द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, बहुत सारे केस थे, टोटल 6. सो देर आर द 6 डिफरेंट केसेस. इसमें 2 क्यों है, आई विल एक्सप्लेन नाउ. तो देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव नहीं, कोई भी मिरर नहीं है, ये कॉन्वेक्स भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अपन ने एक साइड से पॉलिश नहीं करा है. व्हेन वी आर नॉट पॉलिशिंग द सरफेस अंटिल इट इज नॉट अ मिरर. मिरर कब बनेगा? व्हेन वी विल पॉलिश वन साइड. और अब ये कौन सा मिरर है? इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि इसकी इन साइड वाली जो सर्फेस है, इट इज अ पॉलिश, सो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सो this is the midpoint which is called pole, this is the principal axis, straight line which is passing through the midpoint, इसको बोलते हैं जी principal axis. okay, तो सबसे पहला question इसमें हमारा ये है कि in the case of convex mirror, center of curvature, focus किस direction में होंगे? it is in the left hand side or the right hand side? लेफ्ट हैंड साइड द राइट हैंड साइड. आधे बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, आधे बोलेंगे राइट हैंड साइड. सो द एक्चुअल आंसर इज द राइट हैंड साइड. व्हाई? क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो किस डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है? राइट साइड में. तो इसका मतलब सेंटर भी कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में. तो फोकस भी कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में. ठीक है, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस इन द राइट हैंड साइड. ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. कहीं भी रख दो इमेज तो बन जाएगी? नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता. वी विल ऑलवेज प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे. अगर मिरर के अपन पीछे रख दे विच इज अ पॉलिश्ड साइड, अगर पॉलिश्ड साइड के सामने अपन ऑब्जेक्ट रख दे तो क्या इमेज बनेगी? द इमेज विल नेवर फॉर्म. द इमेज इज ओनली फॉर्म व्हेन वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ Which part? Polished part. Okay. So, object अब कहाँ रख सकते हैं? दो ही केस बनते हैं. यहाँ तो बहुत होगा दूर, means when the object is at infinity. और second case क्या हो सकता है कि इस line के ऊपर, principal axis के ऊपर कहीं भी रख दो, क्योंकि यहाँ पर कोई focus नहीं है, कोई center of curvature नहीं है. So there are no any further position. दो ही position बनती है, दो ही cases बनते हैं. तो अपन करते हैं first case when ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इट इज इन्फिनिटी, बहुत बहुत दूर है, यहाँ पर कहीं भी बहुत ज़्यादा आगे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा. तो ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉ करते हैं और लिख देते हैं एट इन्फिनिटी. ओके,
लिख दिया जी एट इन्फिनिटी। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है, यू नो दैट कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑल द लाइट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द लाइट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यू नो वेरी वेल कि अपन को कितनी रेस चाहिए इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए, वी नीड एटलीस्ट 2 rays, कम से कम 2 चाहिए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, लाखों हो जाए, जितनी मर्जी, बट वी नीड एटलीस्ट 2 rays फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अपन 2 rays से काम चलाते हैं एक बार। तो देखो, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, है ना। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल नॉट कन्वर्ज, वो एक पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी नहीं होती, इट विल डाइवर्ज, वो बिखर जाती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, रेज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और आपको, आप देखो क्या ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं? नो, दे आर नॉट मीटिंग एट ऑल। सो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज तो बननी चाहिए, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। कैसे, अपन क्या करेंगे, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी विल बैक एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे। अपन अगर बैक एक्सटेंड कर दें इस रिफ्लेक्टेड रे को, एंड सेकेंड रे को भी अपन बैक एक्सटेंड कर दें, तो आप ध्यान से देखो, आफ्टर बैक एक्सटेंडिंग दीज रेज दे आर मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। फोकस के ऊपर इसकी इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्या रेज अपने आप मिल गई, नहीं, हमने बैक एक्सटेंड करी है। सो द इमेज इज रियल, नो इट इज अ वर्चुअल। सो वी विल राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में अपन क्या लिखते हैं, वी विल राइट डाउन द 3 things, पोजिशन, what is the position of image, number 2 what is the nature of image, and number 3 what is the size of image। to dekho yaar, position kya hai, it is a behind mirror and at a focus, behind mirror and at focus, focus ke upar apni jo image ki position hai। what is the nature, nature is virtual and इरेक्ट। जो भी इमेज वर्चुअल होगी इट इज ऑलवेज इरेक्ट, erect। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द साइज, फोकस के ऊपर बन रही है, इतू सी बन रही है, विच इज द पॉइंट साइज, इट इज द पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, प्लीज नोट इट डाउन, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो। यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट केस, you have to write down the topic, you have to write down the first case when the object is at infinity, after that you have to draw the diagram, and after that you have to write down the properties। बार बार बोल रहा हूँ कि मेन इसमें क्या है, डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज, जो कि पेपर में, एग्जाम्स में 101% आता ही आता है। प्लीज नोट इट डाउन, हाँ जी, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, हो गया जी, ओके, डन। नाउ सेकेंड केस करते हैं, सेकेंड केस। तो देखो यार, सेकंड केस के बारे में, सेकंड केस को अगर बुक में बात करें तो बुक में तो लिखा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहीं पे तो प्लेस करना ही है। ये अपन ने मिरर ड्रॉ करा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, पोल ड्रॉ करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो देखो अब ऑब्जेक्ट को रखना है, इन्फिनिटी तो बहुत था दूर, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है, कहीं पे भी रख दो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली पोजीशन को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर, सीधी सी बात है, फ्रंट ऑफ मिरर, बट नॉट एट इन्फिनिटी। तो बुक वाले क्या करते हैं, बुक वाले लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पहले ये बात अच्छे से ध्यान से सुन लो, फिर बाद में समझते हैं। When the object is placed between infinity and pole, infinity और pole, infinity तो हो गया बहुत दूर, और pole हो गया हमारा ये जो यहाँ पर हम खड़े हैं, तो in between कौन सी position होगी, we don't know। तो actually ये जो case है इसमें बोलते हैं when the object is placed in front of mirror। Actually ये case को लिखना कैसा है, when the object is placed, अगर ये वाली line लिखनी है तो लिख सकते हो,
ठीक है, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन फ्रंट ऑफ मिरर नियर टू पोल, सीधी सी बात है पोल के थोड़ा सा नजदीक रखते हैं हम, इट इज नियर टू पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। सो हेयर इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर टू द पोल, द ऑब्जेक्ट की डायमेंशन लिख देते हैं इट इज ए एंड बी, तो फर्स्ट रे आई विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू मीट एट फोकस, ये रूल थे जो हमने करे थे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज द फर्स्ट रे। अब सेकेंड रे को कैसे करवाएंगे, सेकंड रे को अपन पोल के ऊपर स्ट्राइक करवा देते हैं, ठीक है, दिस इज द सेकंड इंसिडेंट रे, ठीक है, ये थी हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही हैं, सो द आंसर इज नो, दे आर नॉट मीटिंग, पर अगर अपन बैक एक्सटेंड कर दें रेस को तो क्या ये मीट करेंगी, देखो दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, इसको बैक एक्सटेंड करिए, इट इज पासिंग थ्रू, इट इज अपीयरिंग टू पासिंग थ्रू द फोकस, अगर इसको अपन बैक एक्सटेंड करें, ये वाली जो रे है इसको बैक एक्सटेंड करें, हमेशा अपन ने कौन सी रे को बैक एक्सटेंड करना होता है, विच इज अ रिफ्लेक्टेड रे, अगर बैक एक्सटेंड करें सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग, ठीक है, तो इमेज को फॉर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, वी विल मीट, वी विल ज्वाइन दिस इमेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन करा, ओके, दिस इज आर इमेज विच इज नोन एज ए डैश बी डैश। जब भी वर्चुअल इमेज बने, जब भी ये वर्चुअल इमेज है ना, व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज, बिकॉज वी आर बैक एक्सटेंडिंग द रेज, बैक एक्सटेंडिंग रेज कर रहे हैं तो इमेज बन रही है, इट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बन रही है, वी ऑलवेज ड्रॉ द वर्चुअल इमेज विद द डॉटेड लाइन, ध्यान से याद रखना, वी विल ड्रॉ द वर्चुअल इमेज, जो भी वर्चुअल इमेज होगी उसको डॉटेड बनाना है, ठीक है, वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से अपने ड्रॉ करना है, नॉट विद अ सॉलिड लाइन। तो प्रॉपर्टीज लिख देते, व्हाट इज द पोजीशन, इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है, वर्चुअल, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट क्यों, बिकॉज द इमेज इज स्ट्रेट, सीधी है, एंड व्हाट इज द साइज, साइज के बारे में अगर बात करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यह है इमेज, तो इमेज का साइज क्या है, स्मॉल, छोटा है, इट इज स्मॉलर then object, okay, this is the property, this is the second case, please note it down, convex mirror के केस में जब भी इमेज बनेगी इट इज ऑलवेज स्मॉल, या तो पॉइंट साइज बनी बहुत छोटी या फिर बनी क्या स्मॉल साइज, इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग द स्मॉल साइज, ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, अंटिल यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, माय नेम इज करण सिडाना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शुभ खैर।